विराट कोहली सीजन 2008 की अंडर 19 टीम के कैप्टन थे, जो बाद में विश्व चैंपियन भी बनी। भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहने वाले विराट कोहली दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए हैं दोहरे 7 शतक। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ने इसके पहले 6-6 दोहरे शतक लगाए थे। कोहली ने कप्तान के रूप में 9वीं बार 150 रन का स्कोर भी खड़ा किया है। कोहली ने अपने 21वें टेस्ट में 134वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया है। इसके पहले सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैचों की 329 पारी और वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों में 180 पारियों में 6-6 दोहरे शतक लगाए थे। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने अब तक जड़े हैं 26 टेस्ट और 43 वनडे शतक। किसी भी भारतीय बल्लेबाज के टेस्ट में कोहली से ज़्यादा दोहरे शतक नहीं हैं। जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन करियर की सर्वश्रेष्ठ 254 रन की नाबाद पारी खेली है। कैप्टन कोहली ने रिकॉर्ड 7वें दोहरे शतक में दिग्गज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डॉन ब्रेडमैन के नाम था। ब्रेडमैन ने 52 टेस्ट मैचों में 12 दोहरे शतक लगाए थे। श्रीलंका के कुमार संकारा ने 11 और ब्रायन लारा ने 9 दोहरे शतक लगाए थे। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज हेमंड ने 85 टेस्ट मैच में और जयवर्धन ने 149 टेस्ट मैच में 7 दोहरे शतक लगाए हैं। उन्होंने 138 पारियों में मुकाम हासिल किया। जब इस 30 साल के खिलाड़ी के नाम अब 26 टेस्ट और 43 वनडे शतक हैं, साथ ही उन्होंने टेस्ट में सर डॉन ब्रेडमैन के 6,996 रन को भी पीछे छोड़ा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय कप्तान ने अपने टेस्ट करियर का 7वां दोहरा शतक लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7,000 रन भी पूरे किए हैं। विराट कोहली सबसे कम मैचों में यहां तक पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग 134 और सचिन तेंदुलकर ने 136 पारी में ये उपलब्धि हासिल की थी।